अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। कल हम लोगों ने इक्विलन फ्रैक्शन की थी, वो आप लोगों को समझ आ गई थी, उसकी आप लोगों ने रफ कॉपी प्रैक्टिस की है। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन को हमने एडिशन करना है, ऐड करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर वन है 1/10 प्लस 2/10 लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखते हैं। अब इसे क्वेश्चन नंबर वन में 1/10 प्लस 2/10 हम सिर्फ न्यूमिनेटर को प्लस करेंगे। न्यूमिनेटर क्या है? वन और टू। वन प्लस टू क्या होगा? थ्री। और डिनोमिनेटर को हम वन टाइम नीचे लिख लेंगे 3/10। ये आप लोगों ने पहले भी की हुई थी, अब मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा के करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर टू है 2/9 प्लस 6/9 लाइक फ्रैक्शन है। हम सिर्फ न्यूमिनेटर को प्लस करेंगे। 2 प्लस 6 क्या होता है? 8। और डिनोमिनेटर को हम नीचे वन टाइम लिख लेंगे 8/9। क्वेश्चन नंबर थ्री 1/7 प्लस 2/7 न्यूमिनेटर को प्लस किया, 1 में 2 प्लस किए 3 और डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखे 3/7। क्वेश्चन नंबर फोर 1/11 प्लस 8/11 न्यूमिनेटर को प्लस किया, 1 + 8 क्या आया? 9। और डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखना है और सिर्फ न्यूमिनेटर को हमने प्लस करना है 11। ये कोई पेज नंबर है 49। अब ये वो पेज वर्कबुक पेज नंबर 49 था। अब ये नेक्स्ट पेज वर्कबुक पेज नंबर है 50। ये नेक्स्ट 5 से लेकर 10th तक क्वेश्चन इसी तरह आप लोगों ने खुद करने हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। ये उसी पेज पे है, वर्कबुक पेज नंबर 50 पे हमने यानी कि लाइक फ्रैक्शन को अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर वन है 7/9 माइनस 3/9। जब भी लाइक फ्रैक्शन होगी, लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को ही माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिख लेंगे। अब इसमें न्यूमिनेटर क्या है? 7 और 3। 7 - 3 क्या होता है? 4। 7 - 3 = 4, जबकि डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिख लेंगे 9। 4/9 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर टू 2/3 माइनस 1/3 न्यूमिनेटर को माइनस करो, 2 - 1 क्या आएगा? 1। और डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिख लेंगे 3। 1/3 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री 9/11 माइनस 1/11 9 - 1 क्या आएगा? 8। और डिनोमिनेटर को वन टाइम, सिर्फ हमने न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे और जबकि डिनोमिनेटर को वन टाइम नीचे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर 9/12 माइनस 8/12 9 - 8 क्या है? 1। और डिनोमिनेटर क्या है? 12, तो उसको हमने वन टाइम लिखा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से लेके 8 तक वर्कबुक पेज नंबर 50 पे आप लोगों ने इसी तरह खुद कंप्लीट करने हैं। क्लास फोर। अब नेक्स्ट पेज 51 पे नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने क्वेश्चन है डिटरमिन विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर वन है इसका विच चॉइस बेस्ट शोज 1/3 कि हमने बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन 1/3 को बता रही है, कौन सी फिगर 1/3 को शो कर रही है फ्रैक्शन को। आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने जब भी इसमें न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर जब कलर्स है फ्रैक्शन को कलर्स करते हैं तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो उसके शेडेड पार्ट होते हैं जबकि डिनोमिनेटर इसके टोटल पार्ट्स होते हैं। अब हमने बताना है कि कौन सी फिगर 1/3 को फ्रैक्शन को बता रही है। अब ए वाले पार्ट में इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है लेकिन इक्वल पार्ट नहीं है। हमने इक्वल पार्ट देखने हैं कि 1/3 इक्वल शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो। अब ए में उसको इक्वल तो नहीं डिवाइड किया गया, अब जबकि डिनोमिनेटर में तो 3 है लेकिन इसके 3 पार्ट्स है लेकिन 3 हमने इक्वल पार्ट्स होने चाहिए जबकि ए में इक्वल पार्ट नहीं है। अब इसी तरह बी वाले में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 और शेडेड किस में? 1 को, तो हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड किया गया है और शेडेड पार्ट 1 है। और जबकि सी में भी 3 पार्ट्स को डिवाइड किया लेकिन ये इक्वली डिवाइड नहीं किया गया, शेडेड पार्ट ज़्यादा बड़ा है। अब डी में भी 4 को इसमें टोटल पार्ट्स डिवाइड किए गए, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमारी बेस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? बी, जिसमें टोटल पार्ट्स 3 है और 3 को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और शेडेड पार्ट इसमें न्यूमिनेटर क्या था? 1, तो शेडेड पार्ट 1 है, यानी कि हमारा बी इज़ द बेस्ट राइट आंसर। अब नंबर टू विच चॉइस बेस्ट शोज 2/4। अब इसमें शेडेड पार्ट होंगे 2 और टोटल पार्ट्स होंगे 4। 2/4 यानी कि हमारे पार्ट्स को टोटल पार्ट्स को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा जिसमें से 2 को कलर्स किए गए होंगे। अब इसमें ए में 4 पार्ट्स तो है लेकिन 4 जो पार्ट्स को इक्वली डिवाइड नहीं गया, बी में भी इक्वली डिवाइड नहीं किया गया, तो ये भी रॉन्ग होगा। नंबर सी में भी
अब सी में इक्वली डिवाइड नहीं किया गया पार्ट्स को, डी में थ्री में डिवाइड किया गया, तो हमारे इक्वली डिवाइड किस में किया गया, ए में फोर इक्वली डिवाइड किया गया, जिसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं टू, तो बेस्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज ए, ए को हमने टिक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, विच चॉइस बेस्ट शोज थ्री बाय सिक्स, थ्री बाय सिक्स यानी कि सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शेडेड पार्ट इसके थ्री होंगे। अब नंबर ए में इसको इक्वली डिवाइड किया गया, नहीं किया गया, ये एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा तो इक्वली डिवाइड नहीं है। नंबर बी में इक्वली डिवाइड है, नो, ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा तो ये इक्वली डिवाइड नहीं है। नंबर सी, नंबर सी में येस इक्वली डिवाइड है, टोटल सिक्स पार्ट्स है और जिनमें थ्री को कलर किया गया है। और डी में, डी भी इसके इक्वल पार्ट नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सिक्स इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया और शेडेड पार्ट इसके थ्री है। नंबर फोर, विच चॉइस बेस्ट शोज फोर बाय एट, अब इसमें फोर बाय एट टोटल पार्ट्स एट होंगे और शेडेड पार्ट फोर। अब ए वाले में, ए वाला इक्वली डिवाइड है, नो, ये इक्वली डिवाइड नहीं है। नंबर बी इक्वली डिवाइड है, ये भी इक्वली नहीं है क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा है। नंबर सी, यस इक्वली पार्ट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल पार्ट्स एट है जबकि फोर इक्वल पार्ट्स को कलर किया गया है, तो ये इसके करेक्ट आंसर है, इसको टिक कर लिया। डी वाला भी इक्वल पार्ट नहीं है। नंबर फाइव, विच चॉइस बेस्ट शोज टू बाई थ्री, अब हमने टू बाई थ्री यानी कि टोटल पार्ट्स थ्री और शेडेड पार्ट टू, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, इसको डिवाइड तो थ्री पार्ट्स में किया गया लेकिन थ्री इक्वल पार्ट्स में नहीं है हमने, जबकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो ये नहीं होगा। बी वाला, बी वाला भी रॉन्ग आंसर है। नंबर सी, ये इक्वल पार्ट्स है, ये भी थ्री पार्ट्स है लेकिन इक्वल तो डिवाइड नहीं किया गया, ये वाला पार्ट ज़्यादा जबकि ये छोटा, तो ये भी रॉन्ग है। नंबर डी, डी वाला यस, ये इक्वल तीनों को डिवाइड किया गया और इसके शेडेड पार्ट है टू, तो करेक्ट आंसर इज डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वाइज बेस्ट शोज थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर कौन सा पार्ट फिगर शो कर रही है। नंबर ए में थ्री बाय फोर है, नो, यानी कि टोटल पार्ट फोर होंगे और शेडेड पार्ट थ्री। नंबर बी में, बी भी रॉन्ग आंसर। नंबर सी, सी भी रॉन्ग है यानी कि इक्वली डिवाइड नहीं किया गया। नंबर डी, यस डी को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया जबकि शेडेड पार्ट इसके थ्री है, तो बेस्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज डी। नंबर सेवन, विच चॉइस बेस्ट शोज वन बाय सिक्स, यानी कि टोटल पार्ट सिक्स शेडेड पार्ट वन। अब ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नो, इक्वली डिवाइड नहीं किया। बी वाला करेक्ट है, इक्वली डिवाइड नहीं किया। सी वाला करेक्ट है, यस, सी में इक्वली उनको डिवाइड किया गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इक्वली सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया और शेडेड पार्ट वन है, तो बेस्ट आंसर इज सी। तो डी वाला इक्वल नहीं है क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा है, ये वर्कबुक पेज नंबर 51 पे है। अब ये नेक्स्ट पेज नंबर 52 पे है, क्वेश्चन नंबर एट, विच चॉइस बेस्ट शोज सिक्स बाय एट, अब इसमें बताना है कि टोटल इक्वल पार्ट्स एट है, शेडेड पार्ट सिक्स। ए वाला ऑप्शन, यस, इसमें इक्वल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और सिक्स पार्ट शेडेड है, तो बेस्ट करेक्ट आंसर इज ए। बी वाला इसका रॉन्ग है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर नाइन, विच चॉइस बेस्ट शोज वन बाय फोर, यानी कि टोटल पार्ट्स वन और शेडेड पार्ट, टोटल पार्ट फोर और शेडेड पार्ट वन है। अब ए वाला ऑप्शन में इक्वली डिवाइड नहीं है तो ये रॉन्ग, बी भी इक्वली डिवाइड नहीं है, सी भी इक्वली डिवाइड नहीं है, डी, यस, इक्वली फोर पार्ट्स में डिवाइड है और शेडेड पार्ट वन है, तो बेस्ट करेक्ट आंसर इज डी। क्लास मैंने आज आप लोगों को पेज नंबर, वो पेज नंबर 49 से लेके 52 तक करवाया है। जितना काम करवाया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं और जो बाकी काम ये करवाया है आपने इसकी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।